आज की कहानी है अपराधी कौन। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने महल में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास पहुंचता है। चरवाहा ने अपनी समस्या राजा को बताई कि महाराज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। रात को जो आंधी चली, मेरे पड़ोसी की दीवार मेरी दो बकरियों पर गिर गई। दीवार के गिरने से मेरी दो बकरियां दबकर मर गई, और जब मैंने पड़ोसी से मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। तेनालीराम ने राजा को बोला कि दीवार के गिरने का उस अकेले को दोषी मानना ठीक नहीं है। तभी महाराज ने तेनालीरमन को जिम्मेदारी दे दी कि वह पता लगाए कि दीवार गिरने का असली अपराधी कौन है। तेनाली ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और मरी हुई बकरी के बदले चरवाहे को पैसे देने को कहा। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। तेनाली ने मिस्त्री को बुलाया और चरवाहे का हर्जाना मांगा। मिस्त्री ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसका दोषी नहीं हूँ, जिसने मुझे मसाला बनाकर दिया उसने उस मसाले में ज़्यादा पानी डाल दिया, इसीलिए दीवार कमज़ोर बनी। मेरा काम तो सिर्फ दीवार बनाने का था, मसाला बनाने का नहीं। तेनाली ने मजदूरों को बुलाया और बोला कि चरवाहे को उसका हर्जाना दीजिए। मजदूरों ने भी हर्जाना देने से मना कर दिया और कहा कि हम दोषी नहीं हैं, असली दोषी तो वह है जिसने हमें मसाला बनाने के लिए बर्तन दिया। वह बर्तन ही इतना बड़ा था कि सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। तेनाली उससे पूछते हैं कि आपको बर्तन किसने दिया। उसने जवाब दिया कि चरवाहे ने उसको बर्तन दिया। तेनाली को अब जवाब भी मिल गया था और अपराधी भी। तेनाली ने चरवाहे को कहा कि असली दोषी तुम हो, तुमने ही चरवाहे को बड़ा बर्तन दिया जिससे वह पानी का अंदाज़ा नहीं लगा सके और मसाले में ज़्यादा पानी डालने के कारण दीवार गिर गई। जब बात घूम फिर कर चरवाहे पर आई तो वह बोलने लायक ना रहा, वह सर झुकाकर दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय तेनाली की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुए और उसे तोहफे में उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। सच्चाई किसी से नहीं छुपती, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।